सब गाइस कैसे हो आप सब। उम्मीद करते हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छे हो। तो इंस्टाग्राम पर आपने देखा ये वाला वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है। तो गाइस अगर आप भी बनाना चाहते हो तो इस वीडियो के साथ बने रहा, यहाँ पर आप दो प्रोसेस से वीडियो बना सकते हो। तो जो पहला प्रोसेस है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो वो आप मिड जर्नी पे सब्सक्रिप्शन लेकर बना सकते हो, यानी कि मिड जर्नी पे अभी न्यू अपडेट पे फीचर आया है जहाँ पर अपने फोटो को आप जूम आउट कर सकते हो। तो वो लोग क्या कर सकते हैं, मिड जर्नी पे आप बहुत सारा फोटो उस तरह क्रिएट कर लो और जाकर कोई भी एडिटिंग सॉफ्टवेयर पर एक जो भी लेयर सब है आपका, मतलब फोटो लेयर सब, उसे एक एक करके ज्वाइन कर देना और थोड़ा आगे नीचे करके कर लेना। जब आप वो फोटो वीडियो को प्ले करोगे तो आपका जूम आउट इफेक्ट बन जाएगा। मतलब वो एक जेन्युइन तरीका है जहाँ से आप इस तरह एडिटिंग कर सकते हैं। और गाइस अगर आपके पास पैसा नहीं है मिड जर्नी के सब्सक्रिप्शन लेने दिए तो आप इस ट्यूटोरियल को देख सकते हो। इस ट्यूटोरियल पर मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह आप भी जैसा ट्रेंड चल रहा है उस तरह बना सकते हैं। बट गाइस आपको मतलब क्या है, इस पर सेम अपने मुताबिक नहीं कर पाओगे। मतलब आप जहाँ पर खड़े हो, जहाँ पर आपका फोटो है, उसी को आपको करना है, उस तरह नहीं कर पाओगे। आपको मिड जर्नी का हेल्प लेना पड़ेगा और हेल्प लेने के लिए आपको सब्सक्रिप्शन चाहिए। तो गाइस अगर आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप मुझे कमेंट करके बताना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दिखाऊंगा किस तरह आप मिड जर्नी को यूज़ करके ना इस तरह वीडियो एडिट कर सकते हैं। और अगर आपको नहीं इस वाले ट्यूटोरियल को देखकर आप सेटिस्फेक्शन मिलता है तो सही है यार। तो चलो यार चैनल को सब्सक्राइब करो और आज का जो वीडियो एडिटिंग है इसे स्टार्ट करते हैं। वेल गाइज सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर पिक्सार्ट एप्लीकेशन को ओपन कर लेना होगा। और गाइज ये प्ले स्टोर पर है। अब आप यहाँ पर इस प्लस का ऑप्शन पर क्लिक करके एडिट फोटो पे क्लिक करना और आप जिस भी फोटोज पे वीडियोस बनाना चाहते हो सिंपल उस वाले फोटोज को सिलेक्ट कर लो। अब यहाँ पर क्या करना है, टूल्स का ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। AI इनहेंस पे क्लिक करके आपको अपना ये वाला फोटो को इनहेंस कर लेना होगा, यानी कि आपका जो क्वालिटी है फोटो का वो ज़्यादा बढ़ा देगा, यानी कि इन्हेंस कर देगा क्वालिटी को। तो जितना सारा है ये ऑटोमेटिक ऑटो एडिट हो जाएगा, तो आपको उसके लिए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको यहाँ पर फोटो को इंपोर्ट करना है और यहाँ पर AI इन्हेंस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पर आप बिफोर फोटो एंड आफ्टर फोटो देख सकते हो। आपको यहाँ पर बिफोर आफ्टर पे बहुत सारा चेंजेस देखने को मिलेगा, क्योंकि गाइस देखो यार सबका तो फोटो उतना अच्छा क्वालिटी पे नहीं रहता है, इसीलिए आप यहाँ से इन्हेंस कर सकते हैं। तो यहाँ पर राइट का ऑप्शन पर क्लिक करके आप उसके बाद डाउनलोड कर सकते हो। मैं गाइस आपको इस वाली वेबसाइट का लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पर। आपको क्या करना होगा, अपलोड इमेज पे क्लिक करना होगा और जो भी इमेज है आपको वो वाला को सिलेक्ट करना होगा, डन पे क्लिक करना होगा। आपका AI इनहेंस वाला फोटोज़ को ही आप चूज़ करना है यहाँ पर और ये तुरंत आपका यहाँ पर बैकग्राउंड को रिमूव करके दे देता है। तो यहाँ पर आप उसके बाद डाउनलोड का ऑप्शन साइड पर आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर आप डाउनलोड का ऑप्शन पर क्लिक करना है, ये जो आप देख रहे हो डाउनलोड बटन, और यहाँ पर आपको PNG इमेज। तो डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद ये डाउनलोड भी हो जाएगा। अब गाइज आपको दोबारा से पिक्सार्ट एप्लीकेशन को ओपन करके एडिट फोटो पर क्लिक करना होगा और यहाँ पर ये वाला फोटोज़ को आप इंपोर्ट कर लो और आपका जो यहाँ पर फोटो है जो आपने इनहेंस करके PNG किया वो वाला फ़ोटो को ऐड कर लो। मैंने यहाँ पर ऐड किया हूँ और आपका देख लेना जो भी फोटोज़ है उसे ऐड कर लेना। गाइज अब आपको अपना फ़ोटो को इंपोर्ट करना होगा। तो वो फ़ोटो पे थोड़ा दिक्कत था, जो PNG सही तरीके से नहीं हुआ था, इसलिए मैं इस फोटो का भी यूज़ करता हूँ। फ़ोटो को मैं यहाँ पर सेट करता हूँ, आप देख सकते हो। अब आपको क्या करना होगा, फ़ोटो का जो एडजस्टमेंट है उसे थोड़ा सा करना होगा, क्योंकि आपको ब्राइटनेस वगैरह वो सबको थोड़ा सा चेंज वगैरह करना होगा। तो ब्राइटनेस नहीं, आप अपने अकॉर्डिंग इसे करना होगा, क्योंकि फ़ोटो देखो यार आपका है तो आपको जितना परफेक्ट लगे क्लैरिटी वो सबको कर सकते हो। सैचुरेशन इंक्रीज़ थोड़ा कर देना, सैचुरेशन को इंक्रीज़ डेफिनेटली कर देना, तब सही लगेगा वो वेदर के साथ, मतलब उसके साथ मैच हो जाएगा। और हाईलाइट वगैरह को मैं यहाँ पर थोड़ा कम कर लेता हूँ। और गाइज आपको शैडो वगैरह भी चेंजेस वगैरह करना है तो कर सकते हो, शैडो ब्लैक वगैरह। और टेम्परेचर जो है इसे मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ। तो अभी आप देख सकते हो, अब आपको यहाँ पर राइट का ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अब आपको क्या करना होगा, जो आपके यहाँ पर स्टिकर है इसका ऑप्शन पे जाकर सर्च का ऑप्शन पे सर्कल ब्लैक शैडो चूज़ करना होगा और ये जो शैडो है इसे डाउनलोड करना होगा। अब ये शैडो का आपने डाउनलोड किया, अब इसके अंदर आपको यहाँ पर इस तरह बड़ा करके इसके ऊपर पे सेट करना है, इस वाला आइकन पे क्लिक करके मूव डाउन कर लेना होगा। तो कुछ इतना आपको इस तरह कर लेना है। अब आपको राइट का ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। अब आपको क्लोज कर देना होगा और आपको डोंट सेव पे क्लिक कर देना होगा। बैकग्राउंड लेना होगा एक PNG, देना आपको यहाँ पर जो फोटो आप अभी इंपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट किए उस वाले फोटो को आप यहाँ पर इंपोर्ट करो। अब यहाँ पर ऐड का ऑप्शन पर जाओ, इरेजर का ऑप्शन पर जाओ और यहाँ पर आपको इस तरह जो नीचे का पार्ट सब है, जूम आउट में कर लेता हूँ और नीचे का पार्ट सब को पहले मैं इरेज कर लेता हूँ और ऊपर का पार्ट जो है ये सब को इरेज कर लेता हूँ। अब आपको यहाँ पर थोड़ा इस तरह इरेज कर लेना होगा। तो देख सकते हो मैं इस तरह सही तरीके से इरेज कर लेता हूँ, ये पेड़ को मैं थोड़ा रखता हूँ और इस तरह मैं इरेज कर लेता हूँ। अब राइट का ऑप्शन पर क्लिक करना होगा आपको और यहाँ पर इस तरह आपको इससे इंक्रीज़ कर देना है
और यहाँ पर डाउनलोड को बटन पे क्लिक कर देना होगा। तो आप इस तरह भी मतलब इरेज कर सकते हो। अब आपको अलाइक मोशन एप्लीकेशन को ओपन करना होगा। मैं इस एप्लीकेशन को इसीलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप इजीली मीन जूम आउट है वो कर सकते हो फोटोज़ को। तो प्लस पे क्लिक करके क्रिएट प्रोजेक्ट पे मैंने क्लिक किया। और गाइज आप अलग एप्लीकेशन भी यूज़ करो तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे कि VN CapCut, बट ये वाला एप्लीकेशन पर आप इजीली जूम आउट जूम इन कर सकते हो। इसीलिए मैं आपको इस वाले वीडियो को मतलब इस वाले एप्लीकेशन को प्रेफर किया, रिकमेंड किया। तो आप ये वाला भी यूज़ कर सकते हो। मैं यहाँ पर ये वाला वीडियो को इंपोर्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर देख सकते हो कुछ ये इस तरह वीडियो आपका रहेगा। अब आप अपना वो वाला फ़ोटो को इंपोर्ट करो जो आप PicsArt एप्लीकेशन से बनाए। तो मेरा ये वाला फ़ोटो है, मैं इसे चूज़ करता हूँ। अब यहाँ पर गाइज आपको मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर जाकर फ़ोटोज़ को इंक्रीज़ कर देना है और ये पेड़ के साथ मैच करा देना है। देखो यार घास वगैरह जहाँ पर है उस तरह, देखो यार मैं सही तरीके से सेट कर लेता हूँ। यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये जो पोजीशन है और ये जो पोजीशन है जहाँ पर मैं क्लिक कर रहा हूँ इस तरह, ये पोजीशन पर गौर करना। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ, थोड़ा सा दिक्कत है आई थिंक। ये वाला फ़ोटो और जूम होगा, जो मैंने इंपोर्ट किया हूँ उसे मैं और जूम कर सकता हूँ। अब आप देख सकते हो थोड़ा सा फिर भी हिल रहा है फ़ोटो, तो मैं और थोड़ा जूम किया, मैं काफ़ी ज़्यादा जूम कर दिया हूँ। और थोड़ा आपको यहाँ पर डाउन करना है, तो इसलिए मैं आपको ये वाला एप्लीकेशन यूज़ करने बोल रहा हूँ। देखो गाइज मैं पोजीशन इतना अच्छा रखा हूँ आपको पता ही नहीं लगेगा, जो यहाँ पर एक फ़ोटो था। तो आप इस तरह फोटो पोजीशन को कर लेना और इसका ड्यूरेशन को आपको 5 सेकंड तक कर देना है। तो मैं 5 सेकंड तक एक मार्क ऐड करता हूँ और फोटो को एक्सटेंड करता हूँ। अब गाइज आपको क्या करना है, ये जो यहाँ पर मूव एंड ट्रांसफॉर्म पर है एक प्लस का आइकन ऐड करना है। उसके बाद आपको थोड़ा देर के बाद यहाँ पर और एक प्लस का आइकन ऐड करना है और यहाँ पर मूव एंड ट्रांसफॉर्म का ऑप्शन पर जाने के बाद एक प्लस का आइकन ऐड करना। सॉरी वो पोजीशन वाला था, तो मैंने यहाँ पर एक और एक स्टार्टिंग पर ऐड किया और अब मैं ऐड करता हूँ। अब आप यहाँ पर जो आपका पेड़ है उसके अकॉर्डिंग सही तरीके से कर लेना। तो ये वाला आई थिंक होगा। अब यहाँ पर और आपको और एक प्लस का आइकन ऐड करना है और जो पेड़ है उस टहनी सबको देखकर आपको सही तरीके से कर लेना होगा। थोड़ा और मैं छोटा करता हूँ। तो देखो गाइज इस तरह, इसीलिए ये वाला एप्लीकेशन आप यूज़ करो और जितना छोटा छोटा करके करोगे उतना अच्छा है। सॉरी यहाँ पर मैं गलत जगह आ गया, तो इसे मैं हटा देता हूँ पहले। और इस तरह मैंने छोटा कर लिया और छोटा कर लेता हूँ और इधर एंड ख़त्म कर देता हूँ। तो अब आप देखो यार ये जो आपका है, अब देखो यार है ना, तो अब आप देखो भाई यहाँ पर ये वाला तो हो चुका है। तो गाइस अभी आप क्या कर सकते हो, ये जो पोजीशन सब है इसके बीच पे आप एक कर्व इफेक्ट भी ऐड कर सकते हो। तो कुछ ये कर्व इफेक्ट, हाँ ये सही है, ये वाला ट्रिक अप्लाई कर सकते हैं।